अब बात करेंगे बमबाजी की जो बाबा नगरी में हुई है। बाबा नगरी देवघर में बम मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। दुकान में चाय पीने के दौरान लक्ष्मी यादव पर बम से हमला हुआ है। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई है, साथ ही कुछ लोगों पर बमबाजी का आरोप लगाया है। नगरी देवघर में बमबाजी, बम मारकर एक व्यक्ति की हत्या, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बुधवार की सुबह बमबाजी से बाबा नगरी दहल उठी। नगर थाना क्षेत्र के कोरियासा में बम मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। कोरियासा मिडिल स्कूल के पास स्थित दुकान पर सुबह 6 बजे के करीब लक्ष्मी यादव चाय पी रहा था। इसी दौरान 4 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने लक्ष्मी यादव पर बम से हमला कर दिया, जिससे लक्ष्मी यादव के चीथड़े उड़ गए। वहीं इस बमबाजी से इलाके में हड़कंप मच गया है। लक्ष्मी यादव के घर वालों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई। हाँ। राजेश यादव उसका भाई। हाँ। उसका भाई राजेश यादव है, चटेलाल यादव का बेटा है। हाँ। और उसका कारी यादव है लाहौर का। हाँ। और मंटू यादव है गोविंदपुर का। हाँ। क्या किया? गोली नहीं मारा है सर, बम मारा है। बम मारा है। लक्ष्मी यादव, राजेश यादव और कारी यादव कांग्रेस है। लक्ष्मी यादव का घर पर जो है जितना भी क्रिमिनल है पीछे से फॉर्म में सब बैठा हुआ था। लोग मीटिंग वेस्ट किया, मीटिंग करने के बाद वो घटा के अंजन सुबह से मतलब 6 बजे के आसपास में वो घटा करते थे। बाबा नगरी देवघर में बम मारकर लक्ष्मी यादव की हत्या, 4 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने की बमबाजी। आपराधिक प्रवृत्ति का था मृतक लक्ष्मी यादव। कुंडा थाने में लक्ष्मी यादव के खिलाफ दर्ज है मामला। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की जताई आशंका। विष्णु यादव, कारू यादव, राजेश यादव और मंटू यादव पर आरोप। परिजनों ने जमीन विवाद में विष्णु यादव, कारू यादव, राजेश यादव और मंटू यादव पर बम से हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने बमबाजी के साथ गोली चलाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस फायरिंग की घटना से फिलहाल इनकार कर रही है। लक्ष्मी यादव नाम हमलावर द्वारा बम मारकर हत्या कर दी गई है। अभी मामलों की तह तक जाने के लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर किस पे कौन से हत्या शामिल और प्राप्त साक्ष्य के आधार पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके आधार पर हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। देवघर में सरेआम जिस तरह से बम मारकर लक्ष्मी यादव की हत्या कर दी गई, उससे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। बाबा नगरी तो बमबाजी हुई है बाबा नगरी में। अमरनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमरनाथ, कई साल पहले जब हम पत्रकारिता में नहीं थे, छोटे थे, तब खबरें आती थी वासेपुर से कि बम मार दिया। उस समय बम का चलन बहुत हुआ करता था, अपराधी बम का इस्तेमाल करते थे, बम मार दिया, इस तरह की खबरें सुर्खियां बनती थी। लगातार कार्रवाइयां हुई और उसके बाद फिर ये घटनाएं खत्म हो गई, समाप्त हो गई। एक बार फिर से ये ट्रेंड अपराधियों ने अपना लिया है, पहले चक्करदरपुर और अब फिर बाबा नगरी में बम मारकर हत्या हुई है। क्या अपडेट्स है, पुलिस किस एंगल पर कार्रवाई कर रही है, किस पर शक है, परिजनों को क्या कुछ कहना है? देखिए, पहले तो इस मामले को हमको समझना होगा कि ये जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो व्यक्ति कौन था और उसका क्या बैकग्राउंड था। देखिए, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका नाम लक्ष्मी यादव था और सुबह सुबह आज कोरियासा एक मोहल्ला है जहां पर कि अपराधियों ने बम मार करके लक्ष्मी यादव की हत्या कर दी। लक्ष्मी यादव पर बताया जा रहा है कि उसके जो परिवार के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि कोई जमीन का मामला था और जमीन को लेकर के विवाद था कुछ लोगों के साथ और उसी मामले में उसकी हत्या की गई है। परिवार के लोगों ने कुछ लोगों का नाम भी बताया है पुलिस को, उस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी यादव के ऊपर कई मामले भी दर्ज थे पहले से और वह जमीन का कारोबारी था या फिर कहे कि यहाँ पर एक उसकी हैसियत एक छोटे भू माफिया की थी और
उसी को लेकर कहीं ना कहीं जमीन का मामला था, जमीन के मामले को लेकर कहीं हत्या हुई है। और हालांकि मैं आपको बताऊं देखिए साहब कि देवघर का भी जो ट्रेंड रहा है अगर जमीन के मामलों को लेकर के जमीन कारोबारियों की या फिर भूमाफियाओं की जो हत्याएं हुई हैं यहाँ पर उन पर लगभग यही ट्रेंड रहा है और बम मार करके ही उनकी हत्या होती रही है या फिर कहे कि गोलियों का चलन तो खैर ऐसे भी है कि भाई गोली मार दिया हत्या कर दिया लेकिन बम से यहाँ पर अधिकांश जो यहाँ पर जो मौतें हुई है देवघर में मैं आपको बताऊं कि बम मार करके ही हत्या किया गया। और सुबह सुबह का आज वक्त था और लोग अभी कहीं कहीं सो करके उठे ही थे और उस वक्त इस प्रकार की घटना हुई। वाकई लोग काफी दहशत में है लेकिन कुल मिलाकर हम कहें तो पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और आज हमारी एसपी से बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जी और आप परिजनों ने कुछ नाम भी बताया, शायद प्राथमिकी दर्ज हुई है नहीं हुई इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन कुछ शक भी जाहिर किया, कुछ नाम भी पुलिस के सामने बताया, कौन लोग हैं, क्या ये भी जमीन कारोबारी है या किसी जमीन पर कब्जे की बात है, क्या कुछ मामला आया है? देखिए जो मामला अभी तक जो है या जो फिर कहे कि पारिवारिक सूत्रों के हवाले से जो पुलिस को बताया गया है जो FIR कराया गया उसमें कई नेम्ड FIR कराए गए हैं कई लोगों पर। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, हालांकि परिवार के लोगों ने जरूर नाम बताया है लेकिन पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि FIR दर्ज कर लिया गया है, नेम्ड FIR दर्ज हुआ है लेकिन मैं आपको बताऊं कि पुलिस उस मामले पर भी जांच कर रही है, उसके इतर भी जो इसके व्यवसायिक या फिर कहे कि जो जमीन को लेकर के ये कारोबार करता था उसको उस एंगल पर भी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और संभावना ये जताया जा रहा है कि इस मामले को पुलिस बहुत जल्दी सुलझा लेगी। जी चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे और हत्याकांड के पीछे की वजह भी सबके सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।